प्रदेश भर के 20 विधायक गायब होने और राज्यसभा सदस्य की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने की दशा में प्रदेश का सियासी संग्राम गरमाया हुआ है। इसी बात पर खरगोन जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता सहित नेता सड़कों पर उतरे और भाजपा सरकार पर जमकर तीखे प्रहार करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बताया कि भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को कैद कर लिया, जिससे राज्यसभा के निर्वाचन कार्य व्यवस्था में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मीडिया से रूबरू लोगों ने यह भी बताया कि कैद विधायकों को जल्दी ही रिहा कराया जाए, जिससे स्वतंत्र लोकतंत्र स्थापित हो सके। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारे कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के 22 विधायक इनको बेंगलुरु ले जाकर के भाजपा के नेताओं के द्वारा वहां पर रिसोर्ट में कैद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और उन विधायकों के इस्तीफे दबाव डालकर उनके हस्ताक्षर करके और ला करके मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को ला करके भाजपा के जो परिवहन मंत्री थे उनके द्वारा ला करके पेश कर दिया गया। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रजापति जी द्वारा कहा गया कि इन विधायकों को स्वयं आकर के अपना इस्तीफा देना चाहिए और अगर वो नहीं आ सकते हैं तो मैं उन्हें बुलाऊंगा और उनसे पूछे बगैर इस्तीफा के बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और यही न्याय है कि जिसने इस्तीफा दिया उसको स्वयं आकर के या तो देना चाहिए और नहीं अगर कोई और ला के देता है तो फिर उसको स्वयं आकर के बताना चाहिए कि मैंने स्वयं नहीं इस्तीफा दिया है और स्वेच्छा से दिया है बगैर किसी दबाव के दिया है। लेकिन उस प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है और उनको बेंगलुरु में रोक के रखा गया है। एक विधायक के भाई पिताजी गए थे वहाँ उनसे मिलने के लिए, हमारे मंत्री जी जो हैं जीतू पटवारी जी के साथ, उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। पुलिस के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अशोभनीय व्यवहार किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। आज माननीय दिग्विजय सिंह जी वहां गए हैं हमारे 16-18 विधायकों को लेकर के और वहां जा कर के उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की तो बेंगलोर पुलिस ने उनसे मिलने नहीं दिया। उनसे मिलने देने के बजाय दिग्विजय सिंह कोई हथियार लेकर तो गए नहीं थे, कोई बंदूक लेकर नहीं गए थे कि उनकी छाती पे जाके बंदूक लगा देते, वो तो बिल्कुल सादा उसमें गए थे और जा करके उनसे चाहता कि वो उनसे मुलाकात कर लें। राज्यसभा के मेंबर भी हैं दिग्विजय सिंह जी, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया और उनको गिरफ्तार करके कर्नाटक की पुलिस DCP ऑफिस ले गई और वहाँ ले जाकर उनको बिठाए रखा। ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। लोकतंत्र ये प्रजातंत्र है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। भारत में, मध्य प्रदेश में भी डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिए ये षड्यंत्र रच रही है। ये तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी सीमा तक जाकर के उसके विधायकों को अगर बंधक बना ले और उनको आने नहीं दे तो फिर सरकार एक कैसे चलेगी, विपक्ष की सरकार चल नहीं सकती। ये पूरी लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और मध्य प्रदेश की विपक्षी पार्टी शिवराज सिंह जी और उनके साथी जो हैं वो इतने पदलोलुप हो गए हैं कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भूल चुके हैं। अपने लिए तो वो अपना कपड़ा वो मीटर से नापते हैं और दूसरे का कपड़ा वो गज से नापते हैं। मेरा नाम है मिर्जा हबीब बेग, एडवोकेट, उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।